अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स को बहुत बहुत सलामत हो। दुआ के जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, सेहतमंद रहें, आमीन। तो आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ वेजिटेबल फ्राइड राइस। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं और आराम से आप इसको बना सकते हैं, और चिकन मंचूरियन के साथ इसको आप इंजॉय कर सकते हैं, यानी ग्रेवी वाली चीज़ों में से, जैसे चिकन मंचूरियन है या फिर चिकन शाश्लिक वगैरह, इस तरह की वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ दी हैं, ये चॉप की हुई साइज सब्जियाँ, साइज छोटी छोटी चॉप की हुई हैं। ये गाजर है और शिमला मिर्च और हरी प्याज है, ठीक है। ये इसमें चीज़ें जाएंगी, जैसे काली मिर्च है, नमक और लहसुन है, इसको चॉप किया हुआ है। दो अंडे इसके अंदर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। और चावलों को मैं ऑलरेडी बॉयल कर चुकी हूँ, तो उसको फुली कुक करना है, हाफ डन नहीं करना है, फुल कुक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई रखी हुई है, और कढ़ाई में मैं तेल डालूंगी तकरीबन 2 से 3 चम्मच। ये 1, 2 और थोड़ा सा डालूंगी, थोड़ा सा ये डाल दिया मैंने। अब इसके अंदर मैंने अंडे डालने हैं, अंडे डाल के मैंने इसको फ्राई करना है। दो जो है वो चुटकियाँ मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है, और अब मैं इसके अंदर काली मिर्च डालूंगी, कुटी हुई काली मिर्च है, ये तकरीबन 1 चुटकी करीब डाल दी, और अब मैं इसको फेंट लूँगी। चाहें तो फेंट लें या ऐसे डाल दें, लेकिन नमक और काली मिर्च डाली मैंने, तो इसलिए मैं इसको फेंट रही हूँ। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी फ्राइड राइस। जब भी बनाते हैं तेज़ आँच पर बनाते हैं, हल्की आँच पर नहीं बनता है ये, और फिर छोटे टुकड़े करेंगे और पका लेंगे इसको, और फिर उसको फिर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखें मैंने एग को फ्राई कर दिया है, और अब मैं इसके अंदर जो है इसको मैं निकाल लूँगी एक छोटी प्लेट में। मैंने थोड़ा सा उसको फ्राई करके निकाल दिया, और अब मैं इसमें डालूँगी सब्जी और हल्का सा उसको फ्राई कर देंगे। मज़ीद इसके अंदर तेल डालूंगी, क्योंकि फ्राई करना है मैंने सब्जियों को, तो इसमें मैंने 2-3 चम्मच, ये 2 और ये 3 चम्मच के करीब मैंने ऑयल डाल दिया। अब इसके अंदर जो है वो तकरीबन मैं डालनी होंगी ये 1 चाय का चम्मच, चाय का चम्मच के करीब है। इसमें लहसुन डालूंगी, और इसको मैं ये चॉप किया हुआ लहसुन है, और हल्का सा इसको फ्राई करना है, बहुत ही मालूम होता है। जैसे ही कलर चेंज होगा ये सारी सब्जियां मैं इसके अंदर डाल दूंगी, गाजर और ये और इसको तेज आंच पे फ्राई करना है, हल्की आंच पे नहीं करना है। 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करेंगे, ताकि इसमें जो कच्चा पानी सब्जियों का वो ख़त्म कर दें। गलाना नहीं है, पकाना नहीं है, सब्जियों का कच्चापन दूर करना है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर सब्जी में थोड़ा सा नमक डाल दूँ, तकरीबन 1/2 टीस्पून, ठीक है, 1/2 से 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक जाएगा, और अब मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च, ठीक है। ये मैंने काली मिर्च डाल दी, हल्का सा पकाएंगे, खुशबू निकल रही है। इसके जो पकने का एक पहचान है कि सब्जियों में से हल्की हल्की जो है ना खुशबू निकलनी शुरू हो गई, इसका मतलब ये बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर अंडे डालेंगे जो हमने पका लिया था, अब इसके अंदर चावल डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। चावल जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, देखो इन दोनों चम्मच से आपने इसको, हमने आप इसका कलर देखें सब्जियों का, अंदर से नीचे ऊपर करना है। चावल फुल कुक है, इसको ऐसा नहीं है कि कच्चे हैं चावल या एक नहीं है, बिल्कुल कुक है। ये हो गए तैयार, और अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। वेजिटेबल फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी हैं। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और मुझे दुआओं में याद रखें।
अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।